हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में मुख्य मार्ग पर पशुओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे वाहनों की चपेट में आने से कई पशु घायल हो रहे हैं। पुलिस ने इन स्थिति से निपटने के लिए कदम भी उठाए हैं। DSP रामपुर चंद्रशेखर ने नारकंडा से लेकर ज्यूरी व बधाल तक नेशनल हाईवे में जुड़ी पंचायतों के प्रधानों, महिला मंडलों, गौ सदनों के संचालकों व पशुपालन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया। बैठक में लावारिस छोड़े गए पशुओं को कैसे आश्रय दिया जाए, कहां रखा जाए, इस पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान ये तय हुआ कि सबसे पहले पंचायतों में पालतू व लावारिस छोड़े गए पशुओं का कड़ाई से पंजीकरण किया जाए, उनका सही ब्यौरा लिखा जाए। इसके साथ ही कैसे इनको चरणबद्ध तरीके से मार्ग से हटाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई, ताकि बेजुबान पशु आए दिन मार्गों पर दुर्घटना का शिकार ना हो। इस दौरान पंचायतों को भी जागरूक किया गया कि पंचायती राज एक्ट के 11A में पंचायतों की भी जिम्मेदारी तय की गई है और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों में भी जिम्मेदारियाँ तय की गई हैं। पंचायतों को भी बताया गया कि बीच का रास्ता निकाला जाए जिस पर सड़क से पशुओं को हटाया जा सके। DSP चंद्रशेखर ने बताया कि बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पंचायत के प्रतिनिधियों व संबंधित विभागों और गांव सेवकों को बुलाया गया था। इसमें नेशनल हाईवे पर जो बेसहारा पशु छोड़े गए हैं उनको लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान पशुपालन विभाग ने भी लोगों को जागरूक किया और अपने सुझाव रखे। ये था कि ये जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए जो लॉ प्रोविजंस बने हैं, क्या ये पंचायत लेवल पे लोग अवेयर हैं कि नहीं है, तो वो भी उनको बताने पड़े। बिकॉज हमारे पास दो FIR हुई हैं जिसमें दो पशु जो गाय थी वो इंजर्ड हुई थी और एक में तो डेथ हो गई थी। इस रिलेशन में फिर हमें ये वाला जो रास्ता था वो अपनाना पड़ा और साथ ही साथ कई इश्यूज इससे रिलेटेड उजागर भी हुए, जैसे कि पशुओं को टैग लगाना, पशुओं को टैटूज लगाना कि वो जो टैग जो एनिमल्स हैं वो कौन से होते हैं और वो किस तरह से उनका टैग निकाल के उनको छोड़ दिया जाता है। और इस तरीके जो इशू अभी वैसे पूरी तरह से हमारी मीटिंग का अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, बिकॉज इसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जो बिल्कुल नोडल एजेंसीज हैं जो अटेंड नहीं कर सके, क्योंकि अभी ग्राम सभाएँ चली हैं आज। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने एक मीटिंग और ऑर्गेनाइज करनी है जिसमें टोटल नोडल एजेंसी वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोमित पुलिस डिपार्टमेंट एंड जो गाँव शेड्स वाले जो केयर टेकर्स हैं, वो एकत्रित होंगे और इसमें एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा।